कल सगाई की रस्म होगी। तुमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है ना स्वामी? जी बाबूजी। ठीक है, आप सबसे कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। जी कल आएगा जी असली मजा, वो लॉर्ड पंजाबी एंटरटेनमेंट। आओ जी, हम आप तो बैठे नहीं। आओ जी आओ। वैसे अब तो हरी चूड़ियां पहन ली हैं, अब मिल भी नहीं सकते। कल सगाई पे तो मिल रहे हैं ना? दवाई लेना मत भूलना ठीक है? दीदी हाँ, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए थे। मेरा शुक्रिया किस लिए? वो माता की चौकी के फंक्शन के लिए तुमने हमें जीविका को चूड़ियां पहनाने दी, इसलिए। वीरेन पर मुझसे ज्यादा हक आपका है ना, तो उसकी होने वाली पत्नी पर भी आपका ही हक होना चाहिए, है ना? आपको पता है जीविका के घर वाले भी इतने खुश थे कि मैं क्या बताऊं। दीदी क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ वंशिका, हम थोड़ा परेशान हैं। किस बात को लेकर? मानवी के बारे में सोचकर। हर वक्त वो लड़की कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि पूरा माहौल बदल जाता है। सबका ध्यान फंक्शन से हटकर उसकी तरफ हो जाता है। तुमने देखा वंशिका, इधर माता की चौकी चल रही थी और उधर वो गायब हो गई, और तो और विराट को अपने साथ ले गई। अच्छा नॉनसेंस। इसीलिए पूरे फंक्शन में जीविका का ध्यान सिर्फ उस पर था, उसी की चिंता करती रही वो। सुनील बुआ कहाँ है? पता नहीं सर, अब तक तो वो सो गई होंगी। अच्छा चल तू जा। बुआ तो अब तक सो गई होंगी, कड़ा के लिए उनको इस समय उठाना। डॉक्टर विराट कब काम में आएगा? डॉक्टर विराट का काम। ये लो भाई। थैंक यू। आपका काढ़ा। अभी दो मिनट में आपकी सर्दी खलास। है ये टेस्ट कैसा है यार? और ये तो अल्कोहल जैसा स्मेल कर रहा है यार। अरे भाई तुम्हारी नाक बंद है ना, इसलिए। बुआ ने बनाई है, थोड़ा बनाने में आगे पीछे हो गया होगा, बट दवाई से बस पी लो यार। पी पी। सही कह रहा है यार, वैसे भी टेस्ट में क्या रखा है, दवाई कोई अच्छी थोड़ी होती है। पियो ना। जब तो मेरी सर्दी ठीक हो जाए, दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। ये वाला खोलो एक बार, ये कैसा लगा आपके लिए? ये वाला खोलो। मनु तुझे तो फीवर है, काफी तेज है। नहीं दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या है ना, आपकी शादी की खुशी में ना मेरी बॉडी ना खुशी से गर्म हो गई है। एक बात बताओ, अगर मेरे को थोड़ा सा भी फीवर होता, मैं बीमार होती, इधर से उधर घूम रही होती, कूद रही होती, अभी तक बेड पे मरी पड़ी होती है। दी मैं ठीक हूँ। अच्छा दी, मैं सगाई में पहनने के लिए जो सैंडल्स लाए थे ऋषिकेश से, आपने देखे हैं क्या? कबर्ड में होंगे शायद।